अयोध्या में एक धात्री थी जिसका नाम था योगिनी। उसने कहा कि महाराज, आपका कार्य मैं करूंगी। तुरंत ही वह रथ पर सवार होकर कैकेय देश के लिए निकल गई और वहां पर जाकर अपनी बुद्धिमानी से राजमहल में प्रविष्ट होकर कैकेय के साथ संबंध बनाकर उसकी सखी बन गई। और फिर अवसर मिलते ही कैकेय के सामने दशरथ महाराज के सौंदर्य के बारे में वर्णन करती है, उसके शौर्य के बारे में, उसके धर्म के बारे में, उसके पराक्रमों के बारे में वर्णन करती है। और सुनते सुनते कैकेय का मन भी दशरथ जी की ओर आकृष्ट हो गया। और फिर उस योगिनी ने इधर अयोध्या में समाचार भेजा है। समाचार मिलते ही दशरथ महाराज ने एक ब्राह्मण को कैकेय देश को भेजा है। कैकेय के विवाह का प्रस्ताव लेकर और वह ब्राह्मण भी वहां पर पहुंचे। कैकेय नरेश को समाचार दिया, उसने स्वीकार किया लेकिन एक शर्त रखी कि मैं अपनी पुत्री को चक्रवर्ती सम्राट दशरथ महाराज को देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि उसके सिंहासन का अधिकारी मेरी पुत्री का बेटा होगा। यह शर्त महाराज को मंजूर है तो मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण देव वापस आए हैं, दशरथ जी को समाचार सुनाए और सुनते ही दशरथ जी उदास हो गए। ऐसा तो हो नहीं सकता है, हमारी बड़ी रानियां है और सूर्यवंश की परंपरा है कि बड़ा पुत्र ही राज सिंहासन पर बैठता है। लेकिन वशिष्ठ जी त्रिकाल ज्ञानी ऋषि आए और दशरथ जी को कहा कि आप अभी हाँ कह दो, बाद में देखा जाएगा, वो तो सब जानने वाले हैं। और फिर वहां पर समाचार भेजा है और धामधूम से विवाह हुआ है। और विवाह में कैकेय नरेश ने बहुत दहेज दिया है, लेकिन अयोध्या के पास खुद ही इतनी संपत्ति है कि और संपत्ति रखने की कोई जगह नहीं है। दशरथ धन देखी धनद लजाई, कुबेर जी भी लज्जित हो जाए, इतनी अयोध्या की अपार संपत्ति है। जो दहेज मिला सब दान में लुटा दिया, लेकिन एक दहेज साथ में रह गया। कैकेय के साथ दहेज के रूप में उसकी दासी मंथरा आई, वो रह गई। उसको किसी को दे दिया होता तो जो रखना था वो दे दिया और देना था वो रह गया। और अयोध्या में आ गई और कैकेय से बड़ी थी मंथरा उम्र में और स्वभाव की इतनी खड़ूस थी कि अयोध्या के राज सदन के सब सेवक सेविकाएं उससे डरते थे। दासी लेकिन महारानी की तरह रहती थी और कैकेय की सखी की तरह बिल्कुल रहती थी। और उसका मगज तो इतना घुमा हुआ था कि औरों की बात क्या करे, कैकेय को भी फटकारती थी, उसको भी डांटती थी, उसके ऊपर भी क्रोध करती थी। लेकिन माता कैकेय सोचती थी कि यह भले ही बोली की कटु है, कटुभाषी है, लेकिन हृदय इसका निर्मल है, मेरे प्रति स्नेह है, मेरे प्रति प्रेम है, इसलिए कभी कभी मेरा हित करने के लिए मुझे डांट देती है, मुझे फटकार देती है, तो कोई बात नहीं। ऐसा सोचकर कैकेय भी उसकी बात को सह लेती थी। और कैकेय दशरथ जी की अति प्रिय रानी थी, अब कैकेय ही मंथरा का इतना आदर करती थी तो महाराज भी उसको सम्मान देते थे और राजा रानी दोनों उसको सम्मान देते थे तो बेचारे और लोग उसका क्या करते। पूरी अयोध्या में एक व्यक्ति ऐसे थे जिससे मंथरा डरती थी और वह थे लक्ष्मण जी। मंथरा निकलती थी तो सब छिप जाते थे और लक्ष्मण जी निकलते थे तो मंथरा छिप जाती थी, क्योंकि मंथरा ईर्ष्यालु थी, सबके प्रति उसकी ईर्ष्या थी और राम के प्रति भी ईर्ष्या करती थी। और जो राम से ईर्ष्या करेगा वो लक्ष्मण के क्रोध से कैसे बच सकता है? हम लोग समझते हैं लक्ष्मण जी क्रोधी है, नहीं, कैसे क्रोधी हो सकते हैं? साक्षात भगवान शेष ही लक्ष्मण के रूप में आए हैं, भगवान की विभूति है, भगवत स्वरूप है। पूरी रामायण उठाकर देख लीजिए, लक्ष्मण जी ने क्रोध वहीं पर किया है जहां पर
राम के विरुद्ध किसी ने कुछ कहा हो या कुछ किया हो, बाकी कहीं पर लक्ष्मण जी ने क्रोध नहीं किया है। और लक्ष्मण जी ने कई कई को कई बार उल्टे हाथ की दी भी है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि लातों का भूत बातों से नहीं मानता। तो उस मंत्रा की मति आज भ्रष्ट करके सरस्वती, एक तो पहले से ही भ्रष्ट थी और उस पर भी और भ्रष्ट कर दी, पर सरस्वती माता तो वहां से चली गई, पर मंत्रा घर की महल की छत पर जाकर देखती है कि अरे आज अयोध्या सजी हुई क्यों है, अयोध्या में इतना आनंद क्यों है। और उस पर भी कौशल्या माता के महल के सामने देखा तो वहां पर तो भीड़ लगी हुई है, याचक लोग खड़े हैं, कई ब्राह्मण वहां पर भीड़ लगाकर खड़े हैं। तो मंत्रा ने पूछा एक दासी को कि भाई क्या है, अयोध्या में कोई उत्सव है और राम माता ने कोई व्रत किया है, कुछ अनुष्ठान किया है, उसके द्वार पर इतनी भीड़ क्यों है। तब उस दासी ने कहा कि आप नहीं जानती है कल राम का राज्याभिषेक है और इसलिए पूरी अयोध्या में आनंद है, सब पूरी अयोध्या को सजाया गया है और कौशल्या जी तो अपने पुत्र के राज्याभिषेक की खुशी में इतनी प्रसन्न है कि अपने महल में जो संपत्ति है वो सब लुटा रही है, सब दान में दे रही है। अब इतना सुनना था तो मंत्रा की तो छाती जलने लगी, किसी ने छाती में तीर मारा हो ऐसी स्थिति हो गई और एकदम उदास होकर वो ही अकाजु कवनी बीधी राती, एक रात का मेरे पास समय है और किस प्रकार यह कार्य अकार्य में परिवर्तित हो जाए, यह सोचने लगी और फिर पूरा प्लान बनाकर भरत मातु पहीं गई बिल खाती। भरत जी की माता कैकेयी के पास आई और आकर कहती, अरे मूर्खा उठ, तू सो क्या रही है, उठ, तेरे पाप फूट पड़े हैं, तेरे भाग्य समाप्त तो हो गए, तेरे दुर्गति के दिन आ गए, तू उठ, तुझे कुछ भान भी है कि नहीं कि तेरे ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आने वाली है। अब ऐसे बड़बड़ा रही थी लेकिन कैकेयी माता तो जानती थी कि इसका स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए उसने उसकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया और हंसते हुए कहा कि मंत्रा क्या हुआ, लक्ष्मण ने पीटा है क्या, ऐसे क्यों बड़बड़ा रही है, मुझे किसी ने नहीं पीटा है, तू अपना विचार कर तेरा क्या होने वाला है। मुझे तेरे ऊपर दया आती है कि तुझे रानी बनाया किसने, इतनी बड़ी रानी होकर भी कितनी भोली है, भोली नहीं तू मूर्ख है, तेरे पीछे क्या क्या षड्यंत्र हो रहे तुझे कुछ मालूम भी है। अरे तू जानती है कि दशरथ जी तुझे प्रेम करते है, वो तुझे धोखा दे रहे, कुछ प्रेम प्रेम नहीं है तेरे ऊपर, तेरे साथ कितना बड़ा कपट हो रहा है, तुझे मालूम है कल राम का राज्याभिषेक है, तुझे किसी ने बताया। और सुनते ही कैकेयी माता इतनी प्रसन्न हो गई कि अपने चरणों में जो कीमती नूपुर पहना था उसको निकाल कर मंत्रा को दिया, ले तूने इतनी खुश खबर सुनाई है, मेरा पुत्र राम कल राजा बन रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है, आज तो तू यहाँ रख, कल मेरा पुत्र राजा बन गया तो पूरा अयोध्या का खजाना तेरे ऊपर लुटा दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे ऊपर कुछ लुटाना नहीं है, मैं दासी हूँ, दासी ही रहूंगी, लेकिन तू अब अपने मन से वहम निकाल दे कि तू महारानी है, कल से तुझे भी दासी बनना है। नारी चरित्र कर ही ठार ही आंसू, अब स्त्री चरित्र दिखाना चालू की, आंख में से आंसू गिर रहे है और ऐसा कपट कर रही है। तू जानती है तेरे पीछे पूरे एक सप्ताह से अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है, राम की माता अपनी संपत्ति दान में दे रही है, लेकिन तुझे किसी ने बताया, अब सज रही थी सुबह से लेकिन ये क्या कह रही है, एक सप्ताह से, और तेरे पुत्रों को अपने मामा के यहाँ पर भेज दिया और तुझे किसी ने बताया भी नहीं, और तू ऐसे ही अंधेरे में रहेंगी, तो कल से तैयार हो जा दासी बनने के लिए। तो ऐसा मत समझना कौशल्या तुझे आदत देती है, कौशल्या बहुत बुद्धिमान है, उसने पहले से ही समझ लिया था कि तू महाराज दशरथ की अति प्रिय है, इसलिए तेरे साथ विरोध करने में ठीक नहीं है। अगर उस समय कौशल्या तेरे साथ विरोध करती
तो राजा तो तेरे वश में थे, राजा को कहकर तू कौशल्या को महल से ही निकाल देती। इसलिए कौशल्या ने बुद्धिमानी से कार्य लिया, उसने तेरा कुछ विरोध नहीं किया, लेकिन अपने पुत्र राम को बचपन से ही उसने सिखा दिया कि वह तेरे पास ही रहे, और इसलिए राम बचपन से लेकर आज तक अपनी माता से ज़्यादा तेरे पास रहता था। तू समझती है प्रेम है, प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, षड्यंत्र है। और कल जब कौशल्या का कार्य हो जाएगा तो पूरी जिंदगी क्या, पूरी जिंदगी का बदला लेगी तेरे पास, दासी जैसा अधिकार भी तेरे पास रहे ना, तो अपना सौभाग्य मानना। मैं तो कहती हूँ कि तू आज से ही अभ्यास चालू कर दे दासी कैसे रहती है, और तेरे पुत्र भरत को कह दे कि अगर यहाँ पर आया तो कारागृह में डाल देगा राम उसे। उसका हित इसी में है कि वहीं से अपने मामा के घर से ही सीधा वन में चला जाए, या तो वहीं पर अपने मामा के घर पर ही रहे। अब ऐसी ऐसी बात मंत्रा कर रही है, पहले तो कैके माता उसको सुन रही थी, इतना सीरियस नहीं ले रही थी, लेकिन जैसे ही मंत्रा नाटक करती जा रही है, कहती जा रही है, माता कैके उसके बातों से प्रभावित होने लगी, धीरे धीरे सीरियस होने लगी। और फिर बात करते करते मंत्रा कहती है कि देख कैके, सुमित्रा के लिए भी कोई भय नहीं है, क्योंकि वह सब इस घटना को, इस षड्यंत्र को जानती थी, इसलिए तू जब तक राजा की प्रिय थी तो वह तेरी अनुगत भी रही, तेरे साथ भी उसने अच्छा संबंध रखा और कौशल्या के साथ भी अच्छा संबंध रखा, इसलिए उसको कोई भय नहीं है। और रही बात शत्रुघ्न की, तो वो तो जैसे भरत का अनुगामी है ऐसे राम का अनुगामी बन जाएगा, सबकी व्यवस्था है, लेकिन तेरे और तेरे पुत्र के लिए कहीं पर भी जगह नहीं रहेगी। और मंत्रा की बातों को सुनते सुनते अंतिम स्थिति यह बन गई कि कैके अपने आंखों से आंसू बहाने लगी। अरे मंत्रा, मैंने जीवन में कभी किसी का खराब नहीं किया है, तो आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या कभी किसी का बिगाड़ा है कि आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। मंत्रा देख बहन, तू मुझे कहीं से थोड़ा जहर लाकर दे दे, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, तू जानती है मेरा स्वभाव कि मैं जहर खाकर मर सकती हूँ, लोक निंदा को सहन करके अपने पिता के घर पर रह सकती हूँ, लेकिन मैं किसी की दासी बनकर अपमान सहन नहीं कर सकती। कैके जी में जहाँ पर बहुत गुण थे, वहाँ पर एक दोष था कि बहुत मानिनी थी, ईगो था उसके अंदर। और मंत्रा कहती है कि अरे कैके, मरे तू क्यों, तेरे दुश्मन मरे। अरे यह मुसीबत तो इसलिए आई है कि तू कुछ करना नहीं चाहती है, अगर तू कुछ करना चाहे तो अब भी यह विपत्ति टल सकती है। अरे मंत्रा, मैं तो स्त्री हूँ, मैं क्या भला इसमें कर सकती हूँ। अरे तू ही कर सकती है, अगर जो करना चाहे तो तू ही कर सकती हो, क्या मैं कर सकती हूँ। तुझे याद है कैके, तूने मुझे एक बार बताया था, तू जब छोटी सी बालिका थी हमारे राजमहल में एक ऋषि आए थे, बहुत ही वृद्ध ऋषि थे, और तूने उसकी बचपन में बहुत सेवा की, तेरी सेवा से खुश होकर उस ऋषि ने तुम्हें आशीर्वाद दिए कि बेटी तुम्हारे हाथ वज्र के बन जाएंगे, बाहर से तो कोमल ही दिखेंगे लेकिन अंदर से तुम्हारे हाथ वज्र के बन जाएंगे। और फिर वह ऋषि चले गए और बाद में तुम्हारा विवाह हुआ, और एक बार तुम्हारे पति दशरथ स्वर्ग में देवताओं की ओर से युद्ध करने जा रहे थे, हट करके तुम भी उसके साथ में गई, और जब महाराज का रथ का पहिया टूटने लगा, उसका रथ का धुरा टूट गया और उसका रथ का पहिया निकलने ही वाला था, उसी समय तूने अपने वज्र के समान हाथ को उस धुरे की जगह पर रख दिया और दशरथ जी का रथ टूटने से बच गया और युद्ध समाप्त हुआ। तुम्हारे उस शौर्य को देखकर महाराज प्रसन्न हो गए और तुमको कहा कि हे कैके, आज तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, अगर तुमने ऐसा पराक्रम नहीं किया होता तो मैं रथ से गिर पड़ता और शत्रुओं के बाणों का शिकार बन जाता,
तूने आज मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है कैकेयी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। कैकेयी ने कहा कि स्वामी, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, इसमें क्या उपकार। लेकिन दशरथ जी ने बहुत आग्रह किया, कैकेयी तू एक नहीं दो वरदान मांग ले। तब कैकेयी कहती है कि स्वामी ठीक है, जीवन में कभी आवश्यकता हुई, जरूरत हुई तो मैं आपसे मांग लूंगी, अभी कोई जरूरत है नहीं। तो मंत्रा कहती है, कैकेयी तूने ही यह बात मुझे बताई थी और तेरे वह दो वरदान आज भी महाराज के पास जमा पड़े हुए हैं। अब यह बात स्वर्ग में घटी थी और दशरथ जी और कैकेयी के सिवा कोई नहीं जानता था। दशरथ महाराज ने अपने प्रिय सखा और मंत्री सुमंत जी को भी कभी यह बात नहीं बताई थी, लेकिन कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा को यह बात बताई थी और इसी का फल हुआ कि इतना बड़ा अनर्थ हो गया। नहीं तो कैकेयी को भी याद नहीं था कि ये दो वरदान हमारे पड़े हुए हैं। हमारे गुरु महाराज इस प्रसंग पर बहुत सुंदर उपदेश देते हैं कि स्त्रियों की सबसे बड़ी दुर्बलता यही है कि अपने घर की बात को, अपनी अंगत बातों को बाहर कहती फिरती है। अरे क्या जरूरत है अपनी बातों को, अपने परिवार की बातों को, अपने घर की बातों को दूसरों को सुनाना, और दूसरों को कहती और वो दूसरे लोग उसको बढ़ा चढ़ा कर पूरे गांव में, पूरे नगर में, पूरी सोसाइटी में फैलाते हैं और फिर पूरा परिवार बदनाम होता है। महाराज जी कहते हैं कि मंत्रा को, कैकेयी को क्या जरूरत थी उस दो टके की दासी मंत्रा को यह बात बताने की, क्या जरूरत थी? अगर नहीं बताया होता तो क्या इतना बड़ा अनर्थ होता? अब मंत्रा कहती है, वह दो वरदान तुम्हारे पड़े हुए मांग लो। और कैकेयी तो मंत्रा की ऐसे वश में हो गए कि मंत्रा तू ही बता मैं क्या करूं, तू कहे तो मैं विष भी खा सकती हूँ बहन, और तू कहे तो मैं अपने पति और पुत्र को भी त्याग सकती हूँ, तू बता मैं क्या करूं। अब तक तो मंत्रा क्रोधपूर्वक बात कर रही थी, लेकिन अब उसका पूरा रंग ढंग बदल गया, प्रेम से बोलने लगी। अरे कैकेयी तू वरदान मांग ले, पहला वरदान मांग ले अपने पुत्र भरत के लिए राज्य सिंहासन, और दूसरा राम के लिए 14 साल का वनवास मांग ले। कैकेयी ने कहा कि 14 साल का क्यों? मंत्रा कहती है, अरे तू नहीं जानती है धर्मशास्त्र के अनुसार किसी भी स्थान पर कोई 12 साल तक रहता है तो फिर उस स्थान पर उसका अधिकार हो जाता है। भरत 12 साल तक सिंहासन पर बैठेगा तो फिर वह आसन उसका हो जाएगा, फिर राम उससे ले नहीं सकता है। और 14 साल इसलिए, पूरी जिंदगी का तो वनवास मांगेगी तो राम राजा को प्राण से भी प्रिय है तो वरदान देगी ही नहीं, तो पूरी बाजी बिगड़ जाएगी। खींचना उतना ही चाहिए जितना टूट न जाए, स्प्रिंग छटकी जाए। चौदह साल का वनवास मांग ले, और एक बात याद रखना, राम 14 साल के लिए वन में जाए लेकिन तपस्वियों के वेश में और मुनि वृत्ति से रहते हुए। ऐसा क्यों मंत्रा? तो मंत्रा कहती है, अरे तू बहुत बोली है, तू जानती है कि तेरे पति दशरथ राम को कितना प्रेम करते हैं। राम वन में गया तो अयोध्या की सारी संपत्ति, सैन्य, सब कुछ उसके पीछे वन में भेज देंगे, तो फिर खाली अयोध्या में रहकर तू और तेरा बेटा क्या करोगे? अरे वाह मंत्रा, तेरी बुद्धि तो किसी महाराजा के बुद्धिमान मंत्री से भी तेज है। अब कई कई प्रशंसा कर रही और ये कुबड़ी और भी उत्साह में आती जाती है। अब कहते हैं कि देख कैकेयी, जब तक महाराज राम की सौगंध न खा ले, राम की कसम न खा ले, तब तक तो मांगना नहीं, नहीं तो वो देंगे नहीं।
बात तो सही कह रही है तू। और फिर मंत्रा अंत में कहती है कि देख कैके, आज की रात तूने बात संभाल ली, कैसे भी करके महाराज तेरे चरणों में गिरेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, कुछ भी करे, लेकिन थोड़ी सी भी, थोड़ा सा भी तूने अवसर दे दिया तो पूरी बाजी बिगड़ जाएगी। आज की रात तुझे संभालना है, हो सकता है कि तेरे ऊपर सब ओर से बहुत प्रेशर आए, परिवार के लोग, संबंधी लोग, यहाँ तक कि गुरु वशिष्ठ और अरुंधति जी भी आकर तुम्हें समझाए, तुम्हें फटकारे, डांट लगाए, लेकिन कुछ भी हो तुम्हें अपना निर्णय बदलना नहीं है, बस आज की रात निकल जाए। राम वन में जाते ही धीरे धीरे सब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी, सब लोग सब भूल जाएंगे, लोगों की आदत है 2-5 दिन 10 दिन याद रहता है, फिर धीरे धीरे करके सब भूल जाते हैं, इसलिए बस तुझे किसी की बात में नहीं आना है और अपना कार्य कर लेना है। और सब प्रकार से समझा कर अंत में कहती है कि अब तू जा, यहाँ पर क्या बैठी है, काले वस्त्र को धारण करके कुप भवन में चली जा। और वह कुबड़ी फिर अपने भवन में चली गई और कैकेयी को भेज दिया कोप भवन में। और इधर अभिषेक की सब व्यवस्था करके दशरथ महाराज आए हैं, कैकेयी के महल में गए तो समाचार मिला कि कैकेयी कोप भवन में गई है। और वहां पर जाकर काले वस्त्र धारण करके कैकेयी बैठी है। दशरथ महाराज जब कोप भवन में पहुंचे हैं और उस दृश्य को देखकर एक बार तो चौंक गए, अरे ये क्या, क्योंकि आज तक दशरथ महाराज की कोई भी रानी कोप भवन में नहीं गई थी और आज तो उसकी सबसे प्रिय रानी कैकेयी अंदर बैठी है और वह भी काले वस्त्र को धारण करके। अमंगल वेश को देखकर दशरथ जी एकदम डर गए। हमारे यहाँ पर हमारे शास्त्र ने काले रंग को तमोगुण का प्रतीक माना है, सफेद रंग को सत्व गुण का और शांति का प्रतीक माना गया है, इसलिए हमारे पूर्वज लोग प्रायः सफेद वस्त्र ही धारण करते थे और जो रंगीन वस्त्र है उसको रजोगुण का प्रतीक माना है और काले वस्त्र तमोगुण, अमंगल और अपशुकन का प्रतीक माना गया है। इसलिए आप लोग सत्व गुण के प्रतीक स्वरूप सफेद वस्त्र धारण करें और न करें तो भले ही रजोगुण स्वरूप रंगीन वस्त्र पहन ले, लेकिन काले से बचने का प्रयास करना चाहिए। हमारे यहाँ काले वस्त्र का प्रयोग सिर्फ अशुभ में किया जाता था, आज तो सब बात उलट गई है, लेकिन हम माने या न माने सत्य तो सत्य ही रहता है, शास्त्र भगवान की वाणी है, तीनों काल में उसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। दशरथ जी वहां पर गए और कैकेयी को समझा रहे कि अरे प्रिया ये क्या बात है, आज तूने ये क्या अपनी दशा बना रखी है। और दशरथ जी उसे स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कैकेयी उसे दूर हटाने का प्रयास कर रही है। दशरथ जी बारंबार पूछ रहे कि अरे प्रिया क्या हो गया, तू मुझे बता, किसी ने तेरा अपमान किया है, किसी ने तेरा तिरस्कार किया है, एक बार अपने मुंह से उसका नाम बता दे। तेरा अपमान करने वाला अगर ब्राह्मण नहीं है, अगर साधु नहीं है तो और कोई भी है, मैं उसे मृत्युदंड की सजा दूंगी। कहके कहते हैं कि मुझे किसी ने अपमानित नहीं किया है, किसी ने मेरा तिरस्कार नहीं किया है, तो तू क्यों इतनी दुखी है। आपको याद है आपने स्वर्ग में मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था और फिर कभी याद भी किया आपने, कभी कहा कि तुम मांग लो। दशरथ जी कहते कि अरे प्रिया तूने खुद ही कहा था कि मुझे जब जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगी, इसलिए मैंने सामने से याद नहीं किया और तुझे वो चाहिए तो मांग ले आज। हाँ मैं जानती हूँ मांग लो करते हो लेकिन कभी देते हो। दशरथ जी कहते कि अरे कैके आज तक कब ऐसा हुआ कि तुमने मांगा हो और मैंने नहीं दिया। हाँ बड़ी बड़ी बातें मत करो, अब कैकेयी तो मंत्रा की पढ़ाई हुई है, ऐसे बात कर रही है जैसे दशरथ जी ने कोई बहुत भारी अपराध किया। तू बता तुझे क्या चाहिए, तू जो कहेगी, दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन तू अपना यह वेश त्याग दे और प्रसन्न हो जा, आभूषण धारण कर ले। मैं कुछ भी नहीं करूंगी। पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मेरे वह दो वरदान में जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। दशरथ महाराज बेचारे इतने सरल हृदय है कि वो अभी हृदय से यही समझ रहे कि कैकेयी को किसी ने बता दिया है राम का राज्याभिषेक होने वाला है, और इसलिए वह मेरे पुत्र राम के लिए कुछ दुर्लभ वस्तु मांगना चाह रही है और इसलिए ये सब नाटक कर रही है। उसके हृदय में यही भाव है और उसी से प्रेरित होकर उसने कहा कि कैकेयी, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तू जो मांगेगी मैं तुम्हें दूंगी, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन तू अब ये इस अमंगल वेश को निकाल कर तैयार हो जा, और जैसे ही राम की सौगंध खाई है तुरंत ही कोप भवन से कहके खड़ी हो गई, अपने महल में पहुंच गई और वहां पर जाकर अपना फिर से श्रृंगार कर लिया है और दशरथ जी के पास में बैठ गई और अब प्रेम से बात करने लगी और वरदान मांगती है। सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का, पहला वरदान तो आप हमें यह दीजिए, मेरे मन को जो भाए प्राण प्रिय भावत जी का, मेरे जी को जो भाव भा रहा है, पसंद है, ऐसा वरदान मैं मांग रही हूँ। क्या? तो पहला वरदान तो आप हमें यह दीजिए कि मेरे पुत्र भरत को टीका अर्थात राज्य सिंहासन दीजिए। और फिर कहती है, मांग हो दूसर भर भर जोरी, मांग हो दूसर भर भर जोरी, मांग हो दूसर भर भर जोरी, मांग हो दूसर भर भर जोरी। पूरब हो नाथ मनोरथ मोरी, कि राम 14 वर्ष तक वन में जाए और वह भी तपस्वी का वेश धारण करके उदासीन वृत्ति से रहते हुए 14 वर्ष तक उसको वन में वास करना है। बस इतना सुनते ही दशरथ महाराज का पूरा शरीर मानो प्राण से रहित हो गए और कैकेयी को समझाते हैं कि अरे कैकेयी, तू भरत के लिए राज्य मांग रही है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मेरे लिए तो दोनों आँखों के समान है, राम और भरत दोनों मेरे दो आँखों के समान है। राम को राज्य सिंहासन तो मैं इसलिए देना चाहता था कि सूर्यवंश की परंपरा है कि बड़ा ही राजा बनता है, और इस बात का विचार करके मैंने राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। लेकिन तू चाहती है भरत राजा बने तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, भरत को बुलाकर उसका अभिषेक करेंगे, लेकिन तू जो दूसरा वरदान मांग रही है वह योग्य नहीं है। तू राम के लिए वनवास क्यों मांग रही है? अरे राम तो तुझे प्राणों से अपने पुत्र भरत से भी प्रिय था, आज तुझे क्या हो गया? क्या राम ने तुम्हारा कोई अपराध किया है? तू क्यों राम के लिए ऐसा मांग रही है?
देख कह के तू अपना दूसरा वरदान वापस ले ले और उसकी जगह पर तू जो चाहे मांग ले, तू जो चाहे मैं दे दूंगा, लेकिन यह दूसरा वर वापस ले ले। हमारे गुजराती संतों ने बहुत सुंदर दशरथ जी की प्रार्थना को कैकेयी के प्रति बहुत सुंदर लिखा है। हे कैकेयी तारो भरत हे भोले ने गादिए आवे वन नो दे मारा राम ने, हे तारा मन ने फावे ते बीज मांगी लेने पर वन नो दे मारा राम ने। हे कैकेयी तुम्हारा राम मेरे राम को वन क्यों दे रही है, तुम्हें जो चाहिए दूसरा वरदान मांग ले। लेकिन कैकेयी तो आज कठोरता की मूर्ति बनी बैठी है, वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और साफ साफ कहती है कि देन कहे हूँ अब जनी बरु दे हूँ, आपने मुझे वचन दिया है कि तू जो मांगेगी मैं दूंगा, सत्य की शपथ करके आपने मुझे देने के लिए कहा है और अब क्यों नहीं दे रहे, मेरे मांगे हुए वरदान मुझे दीजिए, नहीं तो इस बुढ़ापे में पूरे जगत में आपका अपयश फैलेगा। और ये स्त्रियों की तरह रोना धोना बंद कीजिए, कब के बड़ी डींग हाँक रहे थे, मांगो 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 जो मांगो दूंगा, तो क्या समझा था, जानो हूँ ले ही मांगी चबेना, क्या समझा था कुछ मैं चना चबेना मांग लूंगी, जो कब से कह रहे थे मांगो मांगो। अरे उठिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे यहाँ पर पूर्व में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, सीबी दधीची बलि जो कछु भाषा तनु धनु तजेव बचन पनु राखा। सीबी महाराज ने अपने सत्य की रक्षा के लिए अपना शरीर दान में दे दिया, दधीची ने परोपकार के लिए अपना शरीर दान में दे दिया और बलि महाराज ने अपने सत्य की रक्षा के लिए त्रिभुवन का राज्य दे दिया, और आप तो इतनी छोटी बात देने के लिए कब से रो रहे हैं स्त्रियों की तरह। कैकेयी ऐसे वचन बोल रही है जैसे मानो जले हुए के ऊपर नमक छिड़क रही है। हे महाराज, आप दानी भी कहना चाहते हैं और कंजूसाई भी करते हैं, दोनों नहीं हो सकता है। सत्यवादी भी कहना है और वरदान भी नहीं देना है, दुई की होई एक साथ हसब ठठाई फुलाऊब गाला, कहती है कि दो एक साथ नहीं हो सकता है, आपको ठहाका मारकर हंसना भी है और गाल भी फुलाने हैं, दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती, ट्राई कीजिए तो हो सकता है। योगा वाले हंसाते हा हा हा, हंसी और फिर गाल भी फुलाइए, दोनों एक साथ, दुई की होई एक साथ है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, आपको सत्यवादी कहना है तो मुझे वचन देने पड़ेंगे। और ये क्या रोना धोना लगा रखा है, धैर्य धारण करके आप उठ जाइए, आप राजा है चक्रवर्ती सम्राट है। अब कैकेयी जो बातें कर रही है अबला के समान, स्त्रियों के समान रो रहे, शर्म नहीं आ रही है। अगर मैंने जो मांगा है आप मुझे नहीं देंगे तो आप मुझे जानते हैं, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी या अग्नि में प्रविष्ट कर जाऊंगी। दशरथ जी बेचारे क्या करें। बंगाल में एक रामायण है कृतिवास, एक बंगला ऋषि हुए कृतिवास मुनि, उसने रामायण लिखी है। अब रामायण तो जगह जगह पर, जैसे महाराष्ट्र में एकनाथी रामायण है, दक्षिण भारत में आप जाइए तो वहां पर नाथ मुनि द्वारा रचित रामायण है, हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने वाल्मीकि रामायण को प्रधानता दी है, लेकिन संसार में लोक भाषा में होने के कारण रामचरित मानस प्रचलित है, और इसलिए हम दोनों को मिलाते हुए रामचरित मानस का आधार लेते हुए कथाओं का विस्तार वाल्मीकि रामायण से कर रहे हैं। और भगवान तो प्रत्येक कल्प में प्रकट होते हैं, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा नीति सज्जन पीरा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्,
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक कल्प में भगवान राम रूप में प्रकट होते हैं और अलग अलग प्रकार की लीला करते हैं, और जिस कल्प में भगवान राम रूप में प्रकट होते हैं उस कल्प में जो ऋषि मुनि होते हैं वह भगवान के उस कल्प के चरित्र को रामायण के रूप में लिखते हैं। और आज तक भगवान तो कई बार राम रूप में प्रकट हो चुके हैं, और जितनी बार प्रकट हुए हैं उतनी ही रामायण है। इसलिए कहा है कि रामायण शत कोटि अपारा, करोड़ों रामायण है, और प्रत्येक कल्प की भगवान की लीलाओं में थोड़ी थोड़ी भिन्नता भी होती है। इसलिए रामायण में प्रत्येक रामायण की कथाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर भी होता है लीला भेद से। तो एक कृतिवास रामायण है, उसमें यह प्रसंग बहुत सुंदर लिखा है। उस रामायण में लिखा है कि दशरथ जी जब गए वशिष्ठ मुनि के पास राम का राज्याभिषेक करने की रजा लेने के लिए, तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाराज आपका विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अयोध्या के ऊपर जो ग्रहों की स्थिति है, अयोध्या के ऊपर जो काल की स्थिति है, उससे तो यह स्पष्ट हो रहा है कि अयोध्या के राज सिंहासन पर राम का अभिषेक हो ऐसा 14 साल तक कोई योग नहीं बन रहा है। वशिष्ठ जी के मुख से सुनते ही दशरथ जी पूरे कांपने लगे, अत्यंत दुखी हो गए, और दशरथ जी की उस दयनीयपूर्ण स्थिति को देखकर वशिष्ठ जी कहते कि राजन आप इतने दुखी हो रहे हैं तो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ कि आज से तीसरे दिन एक छोटा सा मुहूर्त है, उसमें आप चाहे तो राम का राज्याभिषेक कर सकते हैं, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ कि उसमें होगा ही, और हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर 14 साल तक राज्याभिषेक हो जाए ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है। अदश्य जी तुरंत ही प्रसन्न होकर वापस आ गए, सब तैयारी में लग गए, और दूसरे दिन शाम को यह घटना हो गई। मंत्रा ने कई कई को चढ़ाया, और उसमें जब कैकेयी ने दशरथ जी को कहा है कि महाराज अगर मैंने जो 2 वरदान मांगे हैं आप मुझे नहीं दोगे तो मैं विष खाकर मर जाऊंगी, अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगी, और तब दशरथ जी कहते हैं हाँ तो मर जा, किसने तुझे रोका है विष खाने से, अग्नि में जल मर, मेरा क्या जाता है। दशरथ जी के मुख से सुनकर कैकेयी कहती है महाराज आप विचार कर लीजिए, आप जानते हैं मेरे स्वभाव को, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मैं विष खाकर मर गई तो आपको सूतक लगेगा, और सूतक लगेगा तो कल राम का राज्याभिषेक होगा नहीं, और कल नहीं होगा तो बाद में 14 साल तक कोई योग नहीं है जिसमें राम का राज्याभिषेक हो। सुनते ही दशरथ जी मूर्छित होकर गिर गए। और ऐसे ही कैकेयी को समझाने में पूरी रात्रि बीत गई और सुबह हुई है। अयोध्या के राजमहल के द्वार पर भीड़ लगी हुई है, क्योंकि लोगों के अंदर उत्साह इतना है तो सुबह सुबह में जल्दी जगकर तैयार होकर राजद्वार पर आकर खड़े हो गए, लेकिन सोच रहे कि आज ये क्या हुआ, हमारे महाराज तो हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में जगकर सरयू में स्नान करके सूर्य उदय होते होते तो राज्यसभा में पहुंच जाते हैं, और आज महाराज दशरथ अब तक जगे नहीं हैं, क्या बात है। सुमंत को कहा कि सुमंत आप जाइए, आप महाराज के मंत्री भी है और सखा भी है, और जाकर महाराज को जगाइए। और सुमंत जी वहां पर आए हैं, और सुमंत जी कैकेयी के भवन में आए, और वहां पर उसने जो दशा देखी सुमंत जी सहम गए कि ये क्या। दशरथ जी भूमि पर सोए हुए हैं, पास में कैकेयी बैठी हुई है, और कैकेयी के मुख को देखकर ही सुमंत जी बुद्धिमान समझ गए कि कुछ तो अघटित हुआ है। अब दशरथ जी तो मूर्छा की स्थिति में पड़े हैं, कुछ बोल सके ऐसी स्थिति नहीं है। सुमंत जी ने कैकेयी को पूछा कि महारानी क्या बात है, क्या हो गया, राजा की ऐसी स्थिति क्यों है। तब कैकेयी बेधड़क सुनाती है,
और सुमंत जी ने जैसे ही सुना तो सुमंत जी भी अपने को रोक नहीं सके और कैकई को फटकार लगाई कि अरे कैकई, तू भी अपनी माँ के समान मूर्खा है जो अपने पति के प्राण लेने के लिए तैयार है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुमंत जी ने वहां पर पहले कैकई को समझाया लेकिन नहीं समझी तो उसको डांटा है कि तू भी तेरी माँ की जैसे है, क्योंकि कैकई के पिता थे अश्वपति महाराज। और महाराज अश्वपति जो कैकई नरेश थे, एक बार भोजन करने के लिए बैठे हैं, उसकी रानी उसके पास में बैठी है और महाराज अश्वपति ने पति को एक ऋषि ने ऐसा वरदान दिया था कि वह पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की भाषा भी समझ सकते थे। हम तो आज मराठी भी नहीं समझ सकते हैं और मराठी वाले गुजराती नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ऋषि के वरदान से महाराज अश्वपति पशु पक्षी और कीड़े मकोड़ों की भाषा को भी समझते थे। तो भोजन कर रहे थे, उसी समय एक चीटा और चीटी आपस में टकराए। अब देखते हैं ना, चीटियां जब चलती है तो एक दूसरे के क्या करते, गले लगते हुए या मुंह से मुंह टकराते हुए चलती है। अब क्या बातें करती होगी, कोई वरदान दे दे तो समझ में आए ना। लेकिन अश्वपति महाराज समझ गए और उसे हंसी आ गई उस चीटी और चीटे की बात को सुनकर। और पास में रानी बैठी थी, उसने कहा कि आप क्यों हंस रहे हैं। महाराज अश्वपति ने बात टालने का बहुत प्रयास किया लेकिन रानी इतनी जिद्दी थी, उसने जीत छोड़ी नहीं, आपको कहना ही पड़ेगा, नहीं कहेंगे तो मैं मर जाऊंगा। तो महाराज कहते कि देख, मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि जिस ऋषि ने मुझे वरदान दिया है उसने यह भी कहा है कि पशु पक्षी की भाषा तो तुम समझ सकते हो लेकिन उसकी सुनी हुई बात अगर तुम दूसरे को सुनाओगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भले ही आप मर जाए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे वह बात सुननी है। और अश्वपति महाराज जानते थे कि ये एक नंबर की जिद्दी है, समझने वालों में से नहीं है और ये मर जाएगी तो स्त्री हत्या का पाप लगेगा और एक दिन तो मरना ही है, तो क्यों व्यर्थ में पाप का बोझ सिर पर लेकर मरे। तो फिर महाराज अश्वपति ने विचार किया कि मरना ही है तो फिर क्यों काशी में जाकर न मरूं, क्योंकि काशी को मुक्ति धाम कहा है। काशी में मरने वाले जीव के कान में अंतिम समय में भगवान शंकर राम नाम का उच्चारण करते हैं और उस राम नाम के बल से मरने वाले जीव की सद्गति हो जाती है। तो मरना ही है तो काशी में जाकर ही क्यों न मरूं, ऐसा विचार करके अपनी पत्नी को साथ में लेकर रथ में सवार होकर महाराज अश्वपति काशी जाने के लिए निकले हैं। और रास्ते में एक घटना घटित हुई, भगवान की प्रेरणा से घटना कुछ ऐसी हुई कि वहां पर रास्ते में कुछ बकरे और बकरियां चर रहे थे घास, और उसमें जो बकरी थी वह अपने बकरे को कह रही थी कि इस कुएं के पास, वहां पर एक कुआ था और कुएं के पास जो घास है वह बहुत हरी भरी और बहुत सुंदर है, मुझे उसको खाने का मन हो रहा है, तुम मुझे वह घास लाकर दो। अब अश्वपति महाराज तो उसकी बात को समझ रहे थे, रानी को लग रहा था कि ये बकरियां बे 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 कर रही है लेकिन वो तो बकरा समझा रहा है कि देख वहां पर कुआ है, पैर फिसल गया तो अंदर गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, यहाँ पर घास है वह खा ले। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम वहां पर जाकर मुझे वह घास ला कर दो। वो बकरा समझा रहा है कि तू जीत मत कर, वहां पर जाने योग्य होता तो कब के जाकर मैंने ही खा लिया होता। नहीं नहीं, कुछ भी हो मुझे वही घास खाना है, तुम मुझे वह घास ला कर दो। वो बकरा दो चार पैर पीछे गया और फिर रनिंग लेकर आया और उस बकरी के पेट में जोर से सींग लगाई। कब का समझा रहा हूँ साली, समझ नहीं रही है, तेरे लिए मर जाऊंगा मैं अश्वपति जैसा मूर्ख हूं कि अपनी पत्नी के बाद में आकर मरने के लिए तैयार हो जाऊं, जा मरना है तो साली तू मर। दो चार बार पीछे गया और दौड़ कर आकर उस बकरी के पेट में ऐसी जोर से सींग लात लगाई और बेंबे बेंबे करती हुई, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मारो मर।
और अश्वपति विचार कर रहे कि यार ये पशु में इतनी विवेक बुद्धि है और मैं ये राजा होकर क्या करने जा रहा हूँ। अपनी रानी से कहता है, क्या क्या कहती थी तू, मर जाएगी, चल अच्छा कुआ है, चल सामने कुआ अच्छा है, चल मेरे सामने गिर। दो चार फटकार लगाई, बुद्धि ठिकाने आ गई, महाराज गलती हो गई और फिर मरने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, वापस आ गए घर पर। पर सुमंत जी आज इस बात को सुना रहे कि कैके तू अपनी माँ की तरह मूर्खा है जो अपने पति का प्राण लेने जा रही है। और फिर राजा का रुख देखकर सुमंत जी राम को बुलाने गए हैं। राम जी को क्या अयोध्या में किसी को मालूम नहीं है कि क्या होने जा रहा है, सब तो आनंद में है, कल के उत्साह की तैयारी में है, तो कम से कम आज तो चिंता नहीं है, तो भले ही आज की रात सुख से रह ले, क्यों व्यर्थ में टेंशन दिया जाए, कल जो होगा देखा जाए, कल की कथा में देखेंगे हम भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कल हम प्रयास करेंगे कथा को राम जी तमसा के तट तक पहुंच जाए।